मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है और बाकी दुनिया में सलमान खान की ओवर एक्टिंग देखकर। भाई इतनी घिसे पीटे कहानी कौन लिखता है, इतने सेंसिबल टॉपिक का मजाक बनाते शर्म नहीं आई तुम्हें? और प्रभु देवा तू डांस ही कर ले यार, मूवी डायरेक्शन तुम्हारे बस की चीज़ नहीं। विजय मौर्य आप स्क्रीन प्ले रहने दो, एक्टिंग पर ध्यान दो। अब आ जाओ डायलॉग्स की बात करें, जिसके लिए सल्लू मियां बहुत विख्यात हैं। सलमान खान की फिल्म हो और उसमें सेंसलेस डायलॉग्स ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अब इस डायलॉग को ही देख लो, अभी तो बस 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लीवर की जगह किडनी। भाई मैं तो डर ही गया, डर गया भाई मैं डर गया। अब एक और दूसरा देख लो, फिल्म की हीरोइन दिशा पाटनी, जो आपको फिल्म में शायद ही कहीं दिखे, जब अपना नाम बताती है दिया, तो सल्लू भाई बोलते हैं कि जब मेरी कोई बहन होगी ना तो मैं उसका नाम नादिया रखूँगा। नादिया हैं? दिया नादिया, दिया नादिया, अरे कोई सेंस है इस बात का? ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया, सलमान खान की मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। और सुनना है क्या? तो सुनो, पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये भी डायलॉग है क्या? खैर छोड़ो, सलमान से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सुना सुना सा लग रहा होगा ना आपको, क्या करिएगा, सलमान भाई को इतनी भी समझ नहीं है कि ट्रेलर में फिल्म के सबसे बेस्ट डायलॉग डालते हैं, पुराने वाले नहीं। शायद यह फिल्म डायलॉग क्राइसिस की बीमारी से जूझ रहे, पता नहीं भाई के पास पैसों की कमी है या सेंस की, एक बढ़िया लिरिसिस्ट नहीं मिला उनको। अल्लू अर्जुन के सीटी मार को अपने फिल्म का प्रीमियर सॉन्ग बनाए बैठे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में जब इतने घटिया डायलॉग्स हैं तो पूरी फिल्म कितनी बोरिंग होगी, इमेजिन करिए। ईद के दिन लोगों को बिरयानी मिले ना मिले, थिएटर्स में उनका कीमा बनना तय है, क्योंकि राधे जाने के लिए नहीं, आपको डिप्रेशन में भेजने के लिए आया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या कुछ फिल्में ऐसा भी है जो हम देख सकते हैं? हाँ है ना, बिल्कुल है। रणदीप हुड्डा की आवाज़, उनका नया विलेन लुक, उनके एक्शन सीन्स, वैसे एक्शन करते तो सलमान भी ठीक लगते हैं लेकिन म्यूट करके। और हाँ अगर आप लकी हुए तो फिल्म में आपको दिशा पाटनी के कुछ हॉट सीन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए ही शायद उनको फिल्म में लिया गया हो। वैसे इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी हैं, क्योंकि दिशा पाटनी के साथ एक श्रॉफ का होना तो बनता ही है। खैर आप देखें ना देखें, वैसे भी भक्तों का ज़माना है, सलमान भाई के भक्त तो फिल्म को देख ही लेंगे। वैसे भाई पहली बार स्क्रीन पे किस जो करते नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये था मेरा पहला ट्रेलर रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।